साथियों, हिमाचल के युवाओं का हमेशा से सपना रहा है कि उन्हें पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान हिमाचल में ही मिले। आपके इस आकांक्षा का भी पहले से ही तरह ध्यान दिया गया है। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? क्यों मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहां के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था? साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, आईएम के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। आज ऊना में ट्रिपल आईटी की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा होगी। यहां से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है इस ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। शिलान्यास मैंने किया था और आज लोकार्पण के लिए भी आज ने मुझे मौका दे दिया। यही तो कायाकल्प है। शिलान्यास भी हम करते हैं, लोकार्पण भी हम कर रहे हैं भाई। और यही डबल इंजन सरकार का काम करने का तरीका है। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मैं ट्रिपल आईटी के निर्माण से जुड़े सभी साथियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने कोविड की रुकावटों के बावजूद भी तेज गति से इस काम को पूर्ण कर दिया।